नमस्कार, जार से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत पुनः एक लॉजिकल प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, जहां एक ओर क्रोमियम अत्यंत कठोर धातु है, वहीं पारा एक द्रव धातु है। आइए इस लॉजिकल प्रश्न को हम जाने। तो क्रोमियम एक अत्यंत कठोर धातु है जबकि पारा द्रव धातु है, क्यों? यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार से लॉजिकल प्रश्न एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सके। तो आइए इस प्रश्न को हम जानें। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम 3D संक्रमण श्रेणी का तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 24, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से 3D5M4S1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या देख रहे हैं, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4S में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, परंतु क्रोमियम के D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4S में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण DD अतिव्यापन हो जाता है और DD अतिव्यापन की वजह से क्रोमियम अत्यंत कठोर धातु है। पुनः जाने, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम के बाह्यतम कोष में अर्थात बाह्यतम अंतिम कोष में 4s में 1 और उपांति 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से DD अतिव्यापन हो जाता है और DD अतिव्यापन की वजह से क्रोमियम अत्यंत कठोर धातु है। यहीं पर यदि हम मरकरी को देखें तो मरकरी 5D संक्रमण श्रेणी का तत्व है। मरकरी का परमाणु क्रमांक 80, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से 4F14, 5D10, 5D10 एंड 6S2। पुनः जाने, 4F14, 5D10 एंड 6S2। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यह भी भरा हुआ है। D में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यह भी भरा हुआ है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यह भी भरा हुआ, अर्थात कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर DD अतिव्यापन नहीं होता है, अर्थात मरकरी में DD अतिव्यापन नहीं होता और DD अतिव्यापन नहीं होने की वजह से मरकरी द्रव धातु है। क्रोमियम DD अतिव्यापन की वजह से कठोर धातु है जबकि मरकरी DD अतिव्यापन नहीं होने की वजह से द्रव धातु है। आइए इस प्रश्न को हम पुनः जाने। क्रोमियम में 3D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे DD अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध बनने की संभावना क्रोमियम में सर्वाधिक होती है, अर्थात DD अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। धात्विक बंध भी बनता है, धात्विक बंध के साथ साथ सहसंयोजी बंध भी बनता है, तो सहसंयोजी बंध बनने की संभावना क्रोमियम में सर्वाधिक होती है। यदि हम दूसरी ओर पारे की बात करें, मरकरी की बात करें, तो मरकरी में 5D कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस प्रकार से 5D में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से DD अतिव्यापन नहीं होता है और DD अतिव्यापन नहीं होने की वजह से पारे के परमाणु आपस में सहसंयोजकता स्थापित नहीं कर पाते हैं और सहसंयोजकता स्थापित नहीं कर पाने की वजह से मरकरी या पारा द्रव धातु है। थैंक यू। हमने इस लॉजिकल प्रश्न को जाना और इसी प्रकार से अन्य लॉजिकल एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।